कौन बोल रहे थे? हेलो, हाँ रघुआ बोल रहे थे, रघुनाथ बोल रहा है? हाँ बोल रहा हूँ, पीए बोल रहा हूँ, का पीए बोल रहा हूँ। तो बोला और सवाल तो क्या बोला, कोई मुर्गी खिलाफ बोलेगा उसको जिंदा कर देगा इसकी माँ की? हाँ तो जवान समाज की बात करो, जवान समाज की बात करो, जवान समाज की बात करो। योगी मोदी को तो तुम नहीं, योगी मोदी से बोलो आप, आओ सामने आओ, हाँ सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ। आओ आओ सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ, आइए ना बाहर आ जा रहे। कहाँ बाहर आना है बताओ, कहाँ बाहर आना है, कहाँ बाहर आना है बताओ, कहाँ बाहर आना है बताओ। अरे तुम बताओ कहाँ आना है, तुम कहाँ बताओ कहाँ आना है। अरे आओ तो यूपी में आओ, तो आओ तो इंडिया में आओ, इंडिया में आओ, इंडिया में आओ, इंडिया में आओ, तब देखते हैं इंडिया में आओ। अरे आओ तो तुम पहले कौन बोल रहे हो? आओ आओ तुम आओ इंडिया में पहले तो आओ बेटा, इंडिया में तो आओ पहले, इंडिया में आओ फिर बताते हैं। आओ 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 तुम बताते को अलीगढ़ नुमाइश ग्राउंड में एक नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत एक समर्थन में हम लोगों ने रैली की थी, जिसमें आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि थे। मुझे बोलने का मौका मिला तो मैंने कहा कि भाई जो यूनिवर्सिटी के अंदर, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो लोग आते हैं वो बच्चों को और स्टूडेंट को पढ़ने लिखने दें, और जो आतंकवादी आतंकवादी लोग हैं वो यूनिवर्सिटी को छोड़ दें। और वो उनका कहना ये था कि मोदी और योगी को हम जिंदा दफनाएंगे। तो मैंने उस परिप्रेक्ष्य में उनसे कहा था, मंच से कहा था कि मोदी और योगी तो देश की धरोहर हैं, हम उनके सिपाही हैं, पहले हमको बताइए, हम ही आपसे निपट लेंगे। और जिंदा जो जिंदा दफनाने की बात करते हैं उनको जिंदा दफना दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कॉल संगठन से कोई फोन मेरे पास 5 बार आया, 3 बार मैंने रिसीव किया, 2 बार मैंने टेप किया है, और उसने कहा है कि मोदी और योगी के साथ तुम्हारी भी कवर 1 हफ्ते में बना देंगे। तो इसलिए ये नंबर भी है 333, इसका नंबर भी मैं आपको बता दूं, नंबर है +364 367549। किस नंबर पे? मेरे निजी नंबर पे 9837009901 पे। इस धमकी के भी एक लेटर टाइप कराए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, डीजीपी, प्रमुख सचिव, एडीजीपी आगरा।